गोवर्धन के प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले में आज एक दुख भरी खबर सामने आई। यह कुंड में डूबने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा अन्नौर स्थित संकर्षण कुंड में हुआ, जिसमें खेल लिए राजस्थान से आए परिक्रमार्थियों का एक टोल आज सुबह करीब 8 बजे स्नान कर रहा था। इसी दौरान दो युवक डूबने लगे। मौके पर शोर शराबा हुआ तो डूबते युवकों को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। एक युवक को तो बचा लिया गया, जबकि दूसरे की गहरे पानी में चले जाने के कारण मौत हो गई। मृत युवक 26 वर्षीय नरेश बताया गया है, जिसके शव को कुंड से बाहर निकाला गया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी खबर पाकर मौके पर पहुंच गए और आवश्यक कार्यवाही की। क्षेत्रीय लोगों और आम जनमानस ने इस हादसे के बाद मेले की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उनके अनुसार कुंड पर 2 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन वे श्रद्धालुओं को रोक नहीं पा रहे थे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विजय। ये क्या मामला हुआ था आप लोगों के साथ? हम सब आए गाड़ी के, तो आके हमने परिक्रमा दी। सवेर 6 बजे पहुंच रहे हम, तो डूब गए हम नारे। कितने लोग डूबे? 2 लोग। तो क्या मामला हुआ था? क्या नाम है उनका, दोनों का क्या 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 नाम था? नाम का राम और दूसरे का नरेश। तो राम कहाँ है? राम तो साहब बेहतरी हॉस्पिटल में दूसरे में। क्या वो सही है अभी? हाँ वो सही। नरेश की उम्र क्या रही होगी? उम्र साहब 27-23 साल। कहाँ के निवासी? मतलब नदवई के। सर यार, अभी 2 युवकों को लाया गया जो डूब गए थे, क्या हालात रहे उनके, क्या कारण? देखिए, वो आने और में जो संकर्षण कुंड है वहाँ पर सूचना मिली थी कि कोई इमरजेंसी है। यहाँ से 108 भेजी तुरंत, तो पता चला एक को तो यहाँ ले आए, तो उसको रिवाइव कर लिया है। पानी में डूबा हुआ था, शायद उसके बचने की संभावना है, और उसको सारी जीवन रक्षक दवाओं के साथ 108 से जिला अस्पताल मथुरा रेफर कर दिया। बाकी एक जो दूसरा उसका साथी था, उसकी डूबने के कारण मौत हो गई, जो मृत अवस्था में यहाँ लाया गया था। फिर भी हमने उसका पूरा रिसर्सिटेशन करके देखा, उसमें नहीं, तो उसको फिर हमने पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवाया। सर कहाँ के रहे ये? ये नदवई राजस्थान के बताए। जो रेफर किया है उसका नाम राम मारवार, सन ऑफ सत्यनारायण मारवार, लगभग 25 साल उम्र, नदवई गांव का है। और दूसरा नरेश, सन ऑफ जगदीश, 27 साल, जिसकी डूबने के कारण।